जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, अतिथि शिक्षकों को लेकर GFMS पोर्टल पर एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है। जी हां साथियों, अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में ईयर एक्सपीरियंस के जो अंक हैं वह जोड़े गए हैं। अब अंक किस प्रकार दिए गए हैं, कितने अधिकतम अंक प्राप्त हुए हैं और अंकों का क्राइटेरिया क्या रहा है, इसको लेकर अतिथि शिक्षकों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, जैसा कि अभी तक संबंधित अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड का अध्ययन करने के बाद जो वस्तुतः स्थिति निकलकर सामने आई है, उसके हिसाब से ईयर एक्सपीरियंस के अतिथि शिक्षकों को अधिकतम 50 अंक प्रदान किए गए हैं। अब बहुत सारे अतिथि शिक्षकों के ईयर एक्सपीरियंस में जो रेशियो है वह 10 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से भी निकलकर सामने आया है, यानी कि एक वर्ष के 10 अंक और अधिकतम 5 वर्ष के 50 अंक संबंधित अतिथि शिक्षकों को ईयर एक्सपीरियंस के प्रदान किए गए हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि जो ईयर एक्सपीरियंस है वह कितने दिन का माना गया है, तो इसका भी जब आकलन किया गया तो जैसा कि विभिन्न पत्रों में निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम 60 दिवस कार्य करना किसी भी सत्र में अतिथि शिक्षकों को अनिवार्य है, तब उनका एक सत्र काउंट होगा। लेकिन जो ईयर एक्सपीरियंस के अंक प्रदान किए गए हैं उसमें न्यूनतम 100 दिवस का एक ईयर यहां पर काउंट किया गया है, ऐसी स्थिति अभी तक निकलकर सामने आई है। हालांकि ये अभी मोटा मोटा आकलन है, इसको हम अभी फाइनल नहीं मान सकते हैं। दूसरी बात है, इसमें एक और चीज देखने को मिली है, बहुत सारे अतिथि शिक्षकों के इस तरीके के प्रश्न आए थे कि जो लैब के अतिथि शिक्षक साथी हैं उन्हें ईयर एक्सपीरियंस के अंक प्रदान नहीं किए गए, लेकिन कई लैब के अतिथि शिक्षक साथियों के स्कोर कार्ड हमारे पास आए जिसमें उन्हें ईयर एक्सपीरियंस के जो अंक हैं वह प्रदान किए गए हैं, यानी कि किन्हीं लैब अतिथि शिक्षकों को ईयर एक्सपीरियंस के अंक मिले हैं और किन्हीं अतिथि शिक्षकों को ईयर एक्सपीरियंस के जो अंक हैं वह प्रदान नहीं किए गए हैं। हालांकि पोर्टल चूंकि अपडेट प्रक्रिया में है तो यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक साथी हैं अनावश्यक रूप से परेशान ना हो। अगर किसी भी प्रकार की विसंगति आपके ईयर एक्सपीरियंस के अंकों में है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनमें सुधार हो जाएगा और आप किसी भी संपर्क से हो, किसी भी आपका पैनल हो कोई भी, आपको ईयर एक्सपीरियंस के जो अंक हैं वह निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के लिए आज ये बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर सामने आया है। साथियों, आने वाली वीडियोस में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो ईयर एक्सपीरियंस के अंक आपको प्रदान किए गए हैं आखिरकार इसके क्या मायने हैं, आने वाले समय में इससे आपको क्या लाभ हो सकता है, वो सारी जानकारी आने वाली वीडियोस में आपको जरूर बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे अभी जुड़ें और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल ये खास अपडेट अतिथि शिक्षकों के लिए है और इसको लेकर भी लगातार अतिथि शिक्षकों में कन्फ्यूजन बना हुआ है, अतिथि शिक्षकों के लगातार प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं। तो फिलहाल ये मोटा मोटा अध्ययन अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड को देखकर किया गया है और एक औसतन अनुमान यहाँ पर लगाया गया है जो जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है। जो मोस्टली अतिथि शिक्षकों को अंक प्रदान किए गए हैं वो किस बेसिस के आधार पर, किस क्राइटेरिया के आधार पर प्रदान किए गए हैं वो स्कोर कार्ड देखने पर प्रतीत हो रहा है। इसका बारीकी से अध्ययन किया जाएगा, वस्तुतः जो भी स्थिति होगी वो आपको अगली वीडियो में देखने को जरूर मिल जाएगा। आप किसी भी प्रकार से चिंतित ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण और एक आवश्यक अपडेट, चूंकि अतिथि शिक्षकों ने अधिकतम 100 अंक की मांग की थी लेकिन यहाँ पर उन्हें 50 ही अंक दिए गए हैं, देर सवेर ही सही लेकिन ईयर एक्सपीरियंस के जो अंक हैं वो अतिथि शिक्षकों को प्रदान हुए हैं। इससे उन अतिथि शिक्षकों को बड़ा फायदा होगा जो लंबे समय से शिक्षा विभाग में कार्यरत थे और नियमित शिक्षक के आने से वह वर्तमान में सेवा में नहीं है, तो अब उनका जो स्कोर कार्ड में जो स्कोर कार्ड का अंक है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे जिससे आने वाली भर्ती में उन्हें फायदा हो सकता है। तो साथियों, जल्द ही इस पर विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे और आवश्यक जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।